स्मिल रहीम वालेकुम वेलकम बैक टू माय चैनल कैसे हैं आप लोग आई होप कि आप लोग ठीक होंगे और आई करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और अभी आप लोग के साथ मैं चाइना मार्केट की वीडियो शेयर कर रही हूँ चाइना मार्केट क्यों आई हूँ सिस्टर के लिए एक सूट लेना था जो सूट मैंने भांजी की शादी पर पहना था वलीमे पर वो मेरी सिस्टर को बहुत पसंद था तो वो कह रही थी कि उस तरह का सूट मुझे भी ले कर भेजो तो उसके लिए मैं फिर आई हूँ चाइना मार्केट तो फिर मैं इधर उधर घूमी हूँ फिर शुक्र है मुझे वो सूट नज़र आ गया है और मैंने फिर वो सूट बाई कर लिया है और यहाँ पर मैं आई थी थोड़ी बहुत जो है ना लीलन मरीने के सूट देखने लेकिन ये कि मुझे कोई इतने ख़ास पसंद नहीं आए तो फिर वहाँ से हम लोग चल पड़े हम एक सूट ही लेने आए थे लेकिन एक सूट के पीछे जो है ना सिस्टर ने तो एक सूट लेना था उसके लिए एक सूट ले लिया लेकिन मेरे अपने ज़ाती इतने पैसे लग गए कि मैं बड़ी थोड़ी परेशान हो गई क्योंकि मैं बाज़ार नहीं आती हूँ बहुत कम आती हूँ क्योंकि जब मैं बाज़ार आती हूँ तो मेरी ऐसी आदत है कि मुझसे हाथ रुकता नहीं है जो चीज़ मुझे पसंद आए तो फिर मैं ले लेती हूँ चीज़ें मुझे ज़्यादातर घर की चीज़ें पसंद आती हैं घर की डेकोरेशन के लिए और किचन के लिए अभी हम सेवर फूड पर आए हैं तो मैंने कहा और जहीद आज सेवर इन्जॉय करते हैं <laughs> मैं आया करती थी भाजी के साथ मैं यहाँ पे बहुत बहुत आई हूँ जब भाजी की शादी थी तो जब हम लोग शॉपिंग करके थक जाते थे तो हम यहाँ पे ही जो है ना सेवर खाने आते थे और यहाँ का सेवर बहुत मज़े का है और आप यकीन जानें कि एक प्लेट में जो है ना इतने ज़्यादा चावल होते हैं और के ऊपर से जो है ना ये मर्जी है चावल जितने आप खाएं आपको फालतू भी वो लोग देते हैं तो इस वजह से जो है ना ये बहुत मशहूर है यहाँ पे बहुत लोग आते हैं हम लोगों ने एक ही प्लेट ली क्योंकि जहीद को आज चिकन और जो वो है किसी किस्म का भी गोश्त जो है ना वो जहीद आज कल नहीं खाते हैं डॉक्टर ने बंद किया हुआ है तो फिर बस हमने फिर एक प्लेट चावल ही ली है कि मैंने ही इंजॉय किए हैं जहीद ने बस थोड़े बहुत साथ खाए हैं साथ दिए है उन्होंने मेरे ये मैं आप लोग को लाल हवेली दिखा रही हूँ शेख रशीद की लाल हवेली <laughs> तो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी आज मैंने पहली फर्स्ट डे देखी है मैंने जो है ना आई थी तो मैंने जहीद मुझे कहते हैं कि चलो इसकी भी तुम वीडियो बनाओ अभी मैं घर आ गई हूँ अभी शाम का टाइम है बल्कि रात का टाइम है तो अभी कहते हैं खाना नहीं खाते हैं क्योंकि जो है ना हमने बहुत लेट चावल खा लिए थे वहाँ पे तो कहते हैं कि चलो ऐसे करो कि कोई और मज़ेदार सी चीज़ बनाओ फिर मज़ेदार सी चीज़ क्या बनानी फ्रिज में जो है ना चने भी उबले हुए पड़े हुए थे आलू भी उबले हुए पड़े हुए थे तो मैंने कहा चलो ऐसे करती हूँ कि चाट बना लेती हूँ थोड़ी सी और मैंने कहा थोड़ी सी चटपटी सी चाट बनाती हूँ क्योंकि आम चाट तो हम खाते ही रहते हैं लेकिन ये कि चाट चेंज करके बनाती हूँ मैं वैसे चेंज कर 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 की चीज़ें बनाती रहती हूँ देखती होती कौन सी चीज़ किस तरीके से मज़े की लगती है तो सारी चीज़ों को मैंने जो है ना बारीक बारीक चॉप कर ली है छुरी के साथ ही चॉपर तो मेरा है नहीं है चॉपर है इतना बड़ा है कि उसमें जो है ना चीज़ें डालने को दिल नहीं करता है मैंने कहा छोटा लूँगी मैंने छोटे दो तीन दफ़ा यूज़ किया है लेकिन बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है मुझसे तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है वैसे वो नादिया और शाजिया के किचन वाले वो लोग कब से वो यूज़ कर रहे हैं उनका नहीं ख़राब हुआ और मैंने उनके साथ के दो खराब कर चुकी हूँ या तो वो उसे मेरे ख्याल में, में ये वीडियो के दौरान यूज़ करती हैं और मैं तो फिर ये होता है कि डेली यूज़ में भी उसको बहुत यूज़ करती हूँ तो अभी मैं लूँगी क्योंकि वो मेरी मजबूरी है उससे थोड़ी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है तो चाट के लिए देखे मैंने प्लेट तैयार करके रखी है आज बड़े अरसे बाद ये मैंने डेकोरेशन की है और डेकोरेशन करते वक्त मुझे वो पुराना ज़माना याद आ गया था अपना स्कूल वाला जब हम लोगों की खानादारी होती थी ना जब हम हाई स्कूल में पढ़ते थे तो इस तरह से हम जो है ना सलाद को डेकोरेट करते होते थे और सैंडविच बनाते होते थे तो आज बस मैं उसी किस्म की जो है ना थोड़ी सी डेकोरेशन की है बस आलू को मैंने बारीक बारीक जो चॉप किया था चने डाले उसके ऊपर मैंने प्याज डाले उसके ऊपर मैंने टमाटर डाले हैं और इसके ऊपर अभी मैं जो बन गोभी काटा काटा था वो मैं डालूँगी और बहुत यमी मेरा चाट बना था क्योंकि जो इस तरह का चाट होता है वो बहुत मजे मज़े का बनता होता है चाट वो वाला दही वाला भी मज़े का बनता होता है ये वाला चाट भी बहुत मज़े का बनता है दही मैंने बस ऊपर थोड़ी सी डाली है ऊपर मैंने जो है ना खट्टी मीठी जो है ना इमली डाली है इसके ऊपर बहुत सारी और बहुत सारा मैंने फिर इसके ऊपर जो है ना चाट डाला है चाट मसाला और जो है ना इसमें मैंने जो है ना सुरख मिर्ची भी डाली है क्योंकि जो है ना मुझे थोड़ा स्पाइसी चाहिए था तो स्पाइसी बनाने के लिए फिर मैंने ये वाली मिर्ची भी डाली और सब्ज मिर्ची भी डाली है तो बहुत मज़ेदार सा स्पाइसी सा चाट हमारा तैयार हो गया और अभी जब मैं वही सवर कर रही हूँ तो मेरे मुंह में फिर पानी आ गया <laughs> क्योंकि ये चाट बहुत मज़े का बना था और हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया था और आप लोगों को आज की मेरी वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर दे शेयर कर दे और जो नए लोग हैं मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो हमें याद रखें खुश रहें आबाद रहें हाफिज